अभी तक के सबसे ताकतवर असुर कली पुरुष और भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के जन्म के रहस्य की कहानी वेदों के अनुसार इस सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की है और इसके पालनहार विष्णु जी है। और जब ये सिस्टम करप्ट हो जाता है तब भोलेनाथ भगवान शिव शंकर इस सृष्टि का विनाश कर देते हैं। इसके एग्जीक्यूशन की बात करते हैं। इस सिस्टम यानी इस सृष्टि को चलाए रखने के लिए भगवान विष्णु का अवतार होता रहता है। अभी तक भगवान विष्णु के 9 अवतार इस धरती पर हो चुके हैं, परंतु 10वां अवतार अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि 10वां अवतार कलयुग के अंत में होगा। जब सृष्टि में पाप अपने चरम पर होगा तब भगवान विष्णु का अब तक का सबसे शक्तिशाली अवतार कल्कि का जन्म होगा। कल्कि अवतार के जन्म की भविष्यवाणी श्रीमद् भगवद गीता में पहले ही कर दी गई है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जब जब धरती पर पाप होता है तब तब मैं जन्म लेता हूं। गीता का वो श्लोक जिसमें भगवान कृष्ण ने अपने जन्म के रहस्य को स्वयं खोला है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं प्रकट होता हूँ, मैं आता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ। जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूँ। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ। दुष्टों के विनाश करने के लिए मैं आता हूँ। धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ और युग युग में जन्म लेता हूँ। कल्कि अवतार के कुछ रहस्य श्रीमद् भगवद गीता के 12वें स्कंद में लिखा है कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का जन्म कलयुग के अंत में और सतयुग के संधिकाल में होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भगवान विष्णु जी का अवतार हमेशा से ही हर युग के अंत में होता है, जैसे राम अवतार त्रेतयुग के अंत में हुआ था। और जैसे ही श्री राम अवतार अपने धाम चले गए वैसे ही द्वापर युग की शुरुआत होती है। वैसे ही द्वापर युग के अंत में श्री कृष्णा अवतार हुआ और श्री कृष्णा के अपने धाम जाते ही कलयुग प्रारंभ होता है। वैसे ही कलयुग के अंत में कल्कि अवतार होगा और अवतार का कार्य समाप्ति के बाद सतयुग का पुनः आगमन हो जाएगा। कल्कि अवतार के जन्म का रहस्य हमारे ग्रंथ के इस श्लोक में मिलता है। संभल ग्राम मुख्य ब्राह्मणस्य महात्मन भवने विष्णु यशस प्रादुर्भविष्यति। अर्थात संभल ग्राम में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर में भगवान कल्कि का जन्म होगा। भगवान विष्णु के कल्कि अवतार का जन्म मुरादाबाद के संभल ग्राम में होगा। इनकी माता का नाम सुमति होगा। ये देवदत्त नामक सफेद घोड़े की सवारी करेंगे। इनके हाथ में 2 तलवारें होंगी। ये अवतार निष्कलंक अवतार होगा। कहा जाता है कि भगवान राम में 12 गुण थे, कृष्ण में 16 गुण थे, परंतु कल्कि अवतार में कुल 64 गुण होंगे। ये अवतार इंसान को पुनः प्रकृति से जोड़ेगा। कलयुग के अंत में जब सारी नदियां सूख जाएंगी, इंसान का इंसान से विश्वास खत्म हो जाएगा। एक स्त्री बहुत सारे मर्दों के साथ रहेंगी। हर जगह पाप का बोलबाला होगा। तब इस धरती पर कल्कि अवतार लेकर भगवान विष्णु आएंगे और पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। 7 दिव्या पुरुष जो अब तक कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में है, श्री हनुमान जी, श्री परशुराम जी, आदि कवि महर्षि वेद व्यास जी, गुरु द्रोण पुत्र अश्वथामा, कृपाचार्य, महाराज बलि, लंकाधिपति महाराज विभीषण, ये 7 दिव्या पुरुष आज भी कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिसमें परशुराम जी भगवान कल्कि के गुरु होंगे। बाकी महापुरुष भगवान कल्कि के साथ राक्षस कली पुरुष के खिलाफ युद्ध करेंगे। कौन है कली पुरुष? जो कलयुग का सबसे बड़ा राक्षस होगा, जिसका वध करने के लिए भगवान विष्णु को स्वयं अवतरित होना होगा। कली पुरुष के जन्म के रहस्य को जानने के लिए हमें इस सृष्टि के रचना स्रोत के समय में जाना होगा, यानी सतयुग में। एक बार ऋषि दुर्वासा इंद्र देवता से मिलने स्वर्ग लोक गए हुए थे, परंतु इंद्र देव वहां नहीं थे। वे किसी राक्षस का वध करके आते हैं। तब दुर्वासा ऋषि ने उनके स्वागत के लिए फूलों की माला दिए। चूंकि इंद्र देव अभी जीत के धुन में मग्न थे, वे मग्नता में वो फूलों की माला अपने गज यानी हाथी को पहना दिए। और जब पुनः सभा शुरू हुई तो दुर्वासा ऋषि उनसे मिलने आए तो देखा कि उनके फूलों की माला हाथी के पैरों में पड़ी थी। यह देख दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप दे डाला कि जिस ऐश्वर्य में तुमने मेरे उपहार का अपमान किया वो ऐश्वर्य तुमसे छीन जाएगा। उसके बाद धन और मान की हानि होने लगी, देवता कमजोर होने लगे। तब सभी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन के लिए कहा और बोले कि आप लोगों पुनः पहले जैसा होने के लिए क्षीर सागर के अमृत की आवश्यकता पड़ेगी। चूंकि देवता अभी कमजोर थे इसलिए इंद्रदेव ने असुरों के राजा राजा बलि से समुद्र मंथन के लिए मदद मांगी।
पहले तो राजा बलि ने देवताओं को मना कर दिया। वे जानते थे कि देवता असुरों के साथ छल करेंगे, परंतु शुक्राचार्य के कहने पर राजा बलि इस शर्त पर तैयार हुए कि जो भी समुद्र मंथन में निकलेगा उसका बंटवारा होगा। तब मंदराचल पर्वत को गरुड़ देव ने अपने चोंच में उठाकर क्षीर सागर में रखा और सर्पराज बासुकी को उस पर्वत में लपेटकर रस्से के रूप लिया गया। राक्षस गण बासुकी नाग के मुख की ओर और देवता पूंछ की ओर लगे थे, परंतु मंथन हो नहीं पा रहा था क्योंकि मंदराचल पर्वत का आधार घूम नहीं रहा था। तब भगवान विष्णु ने कच्छ यानी कछुए का अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर रखा। इस प्रकार मंथन की शुरुआत हुई। उसमें से बहुत सारे कीमती आभूषण के साथ पहले हलाहल नामक तेज विष निकला। भगवान विष्णु को इस विष के बारे में पहले से ही पता था। उन्होंने देवताओं को इस बारे में पहले इसलिए नहीं बताए क्योंकि वे जानते थे अगर उन्हें बता दिया तो वे विष के कारण देवता इस मंथन को नहीं करते, इसलिए उन्हें सिर्फ अमृत के बारे में बताया। अब चूंकि हलाहल विष निकल गया था और सभी इसके वेग से मूर्छित होने लगे, परंतु शर्त अनुसार इसे आधा देवता तथा आधा असुरों को पीना था, परंतु दोनों में हलाहल विष के इस तेज को सहने की शक्ति नहीं थी। फिर भगवान भोलेनाथ ने भगवान विष्णु के कहने पर विषपान किया, परंतु इस विष के तेज से भोलेनाथ भी जलन से प्रभावित होने लगे। तब शक्ति रूपी देवी पार्वती ने उस विष को अपने हाथों से भोलेनाथ के गले में ही रोक दिया। इस विष के प्रभाव से भोलेनाथ का कंठ नीला पड़ गया। तब से भोलेनाथ का नाम नीलकंठ पड़ गया। परंतु इस क्रिया में विष की एक बूंद राक्षस कली के मुख में जा गिरा और कली का शरीर तो खत्म हो गया, और फिर आगे जब मंथन हुआ तो उसमें से कामधेनु गाय निकली जिसे ऋषियों ने रखा। उच्चेश्व अश्व को राजा बलि ने ग्रहण किया। ऐरावत हाथी को देवताओं के राजा इंद्र ने ग्रहण किया। कौस्तुभ मणि और शंख को भगवान विष्णु जी ने धारण किया। इसके बाद निकली संजीवनी बूटी, इसे पृथ्वी पर एक सुरक्षित स्थान पर स्थापित किया गया। ये वही संजीवनी बूटी है जिसे रामायण काल में लक्ष्मण को दिया गया था जब उनको मेघनाथ की बरछी लगी थी, और इसके बाद धन संपदा लेकर लक्ष्मी जी निकली। लक्ष्मी जी को सभी देवता ऋषि मुनि एवं राक्षस रखना चाहते थे, परंतु लक्ष्मी जी ने खुद विष्णु जी को ग्रहण कर लिया। चंद्रमा निकले तो भोलेनाथ ने ग्रहण किया। इसके बाद परिजात वृक्ष और कल्प वृक्ष निकला जिसे स्वर्ग में स्थापित किया गया। फिर निकली रंभा जिसे स्वर्ग अप्सरा बनाकर स्वर्ग में रखा गया। इसके बाद निकली वारुणी देवी यानी सूरा देवी यानी गॉडेस ऑफ अल्कोहल, जिन्हें असुरों ने ले लिया। और अंत में भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर निकले। इसी अमृत की छिन्न छपात में कुछ बूंदे समंदर में जा गिरी जो उज्जैन नासिक और प्रयागराज में गिरा था, और कहा जाता है कि हर 12 वर्ष पर फिर से वो अमृत प्रकट होता है। उस वक्त स्नान करने से रोग दोष दूर हो जाते हैं, और इसी अमृत की कुछ बूंदे कली पुरुष को भी मिल गई जिससे वो फिर से जीवित हो उठा, परंतु वो भौतिक रूप में न आ सका। अमृत के बंटवारे के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप ले लिया। मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत पान कराया था। इस दौरान एक राक्षस ने देवताओं का रूप धारण कर अमृत पान कर लिया था। तब भगवान विष्णु ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, परंतु अमृत पान के कारण उसके शरीर के दोनों भाग जीवित रहे और राहु और केतु के रूप में पहचाने गए। राहु और केतु को ज्योतिष में छाया ग्रह कहा जाता है। ये दोनों ग्रह एक ही राक्षस के शरीर से जन्मे हैं। राक्षस के सिर वाला भाग राहु कहलाता है, जबकि धड़ वाला भाग केतु। कुछ ज्योतिष इन्हें रहस्यवादी ग्रह मानते हैं। यदि किसी की कुंडली में राहु और केतु गलत स्थान पर हो तो उसके जीवन में भूचाल ला देते हैं। ये इतने प्रभावशाली हैं कि सूर्य और चंद्रमा पर ग्रहण भी इनके कारण ही लगता है। कलयुग के अंत में कली पुरुष भौतिक रूप में आ जाएगा। कली पुरुष अभी भौतिक रूप नहीं आया है, परंतु वो अपनी शक्तियों से इंसान पर काबू पा लेगा, और कलयुग के अंत में वो भौतिक रूप में भी आ जाएगा। तब वो पताल लोक से आसुरी शक्ति को आजाद करके इंसानों पर राज करेगा। कली पुरुष उन सभी नकारात्मकताओं का साकार रूप है जो कलयुग की विशेषताएं हैं। उनका जन्म राक्षसों, क्रोध और ईर्ष्या से हुआ था। उसका रंग अत्यंत काला और भयानक रूप है। वह शतरंज खेलना, वेश्याओं और सोने के व्यापारियों के साथ भोग करना जैसे अधार्मिक कार्यों में आसक्त रहता है। ईर्ष्या क्रोध की बहन थी। हिंसा के गर्भ से क्रोध को कली नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका रंग बहुत काला है, जैसे तेल में काला मलहम मिलाया गया हो। कली का पेट कौवे के समान है। उसका चेहरा देखने में डरावना है और उसकी जीभ लाल है, और वह लालच से भरी हुई प्रतीत होती है। उसका रूप अत्यंत डरावना है।
और उसके शरीर से बहुत दुर्गंध आती है। कली को शतरंज खेलना, शराब पीना, वेश्याओं की संगति का आनंद लेना और सोने के व्यापारियों के साथ संगति करना बहुत पसंद है। वह अपने पूरे वंश के साथ कली के लोगों में अधार्मिक मानसिकता को बढ़ावा देता है। कलयुग के अंत में जब वो भौतिक रूप में आ जाएगा, तब भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा, जो 64 गुणों से लिप्त माहिर योद्धा होंगे, जो अब तक के सबसे शक्तिशाली राक्षस कली पुरुष से लड़ेंगे और इंसानों को उसके प्रभाव से मुक्त करेंगे। परंतु इस युद्ध में कली पुरुष के तरफ से भी इंसान लड़ेंगे, क्योंकि तब तक धर्म पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। इंसान भगवान को पहचान नहीं पाएंगे, परंतु अंत में सब ठीक हो जाएगा और सतयुग का प्रारंभ होगा।